औरंगाबाद जिला के देव थाना क्षेत्र के चट्टी बाजार में एक शिक्षक के द्वारा 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में बुलाकर उसके साथ शिक्षक ने घिनौनी हरकत की। मामला देव थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के एक शिक्षक के द्वारा 9 वर्षीय छात्रा के साथ घिनौनी हरकत की गई है। जब परिजन इस मामले को लेकर विद्यालय संचालक से शिकायत करने पहुंचे तो संचालक ने परिजनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर विद्यालय में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि परिस्थिति को भांपते हुए शिक्षक वहां से भागने में कामयाब रहे। वहीं शिक्षक की घिनौनी हरकत से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। छात्रा के परिजनों ने बताया कि विद्यालय के ऑफिस में बुलाकर शिक्षक ने उसके साथ घिनौनी हरकत करने का प्रयास किया, तभी बच्ची रो पड़ी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर शिक्षक ने उसे छोड़ दिया तथा छात्रा को धमकाते हुए इन सारी बातों को परिजन से ना कहने की हिदायत भी दी। जब हम क्लास में पढ़े थे ना, तो हमको अरविंद सर बुलाए थे बुक लेकर, तो हम बुक लेकर गए ना, तो हमको बुक पढ़ा था तो हमको पैंट में हाथ डालते, हम मिस के सर के लोग बताए तो रखे सर, तो हमको बोल रहे ना कि अपने में विश्वास होगा तो घर नहीं बोले, तो हम बोले ना कि मम्मी के भी नहीं, तो बोले कि नहीं। क्या किस स्कूल में पढ़ती है आपकी? ये जो ओपन माइंड में पढ़ती है, ओपन करके इसको ये बेइज्जत करके ऑफिस में बुला के। आप कौन हुए इसके? हम इसके आंटी हैं। ये जाकर रोक के कहने लगी कैसे से किया इसको, हम लोग नहीं आए, घर में कोई नहीं रहता, हम लोग तो लोग बनाएंगे। जब हमको छोटा बच्चा को जान मार के जान मारने लगा, ऑफिस में गोली रख लिया है। लेकिन मामले ने तुल पकड़ लिया है। विद्यालय के सभी शिक्षक फरार हो गए हैं। ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं शिक्षक के खिलाफ देव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देव थाना की पुलिस मामले को दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए औरंगाबाद बिहार से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।